देखिए आप ठीक मेरे पीछे जो प्रोसेशन आप देख रहे हैं कारजू जिंग से स्टार्ट होता हुआ ये पोलोग्राउन पे ये जो प्रोसेशन ख़त्म होगा वहाँ से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने हाथों से जो चार दिन का लद्दाख फेस्टिवल है इसका इनॉग्रेशन करेंगे और ये बराबर चार दिन चलेगा और हमारे जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और जो कमर्स जो न्यू जनरेशन जो आ रही है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो लद्दाख के यूनिकनेस न सिर्फ हमारे ज्योग्राफिकल लिए हम यूनिकनेस है बल्कि हमारे जो रिच कल्चर है जो हमारे सेंचुरी लॉन्ग को जो हमारे चले आ रहे हैं इस संस्कृति को इस कल्चर ट्रेडिशन को हम बचाते आ रहे हैं और ख़ासकर जो लद्दाख फेस्टिवल है ये एक इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और मैं चाहूँगा कि जो हमारे आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों का मन जीतते हैं इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं यहाँ के ज्योग्राफिकली तो लोग आते ही आते हैं जो बाकी जो कल्चर लविंग जो टूरिज़्म है उनके लिए लद्दाख एक जन्नत से कम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये जो चार दिन एक सक्सेसफुल एक कामयाब एक फेस्टिवल चले हमारे जो आर्टिस्ट है हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं चाहे होटल एसोसिएशन का हो चाहे वो टूर एंड ट्रेवल वाले हों कोई भी हो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का हम सब ने फ़ायदा लेना है और हमारे जो लद्दाख के जो यूनिक और आइडेंटिटी है इसको हमने न्यू जनरेशन तक एक सक्सेसफुल इस मैसेज को हमने देना है बस मेरा यही कहना है थैंक यू वेरी मच। Flag be handed over to the Lieutenant Governor, sir. This is the declaration of opening of the Ladakh Festival. May we all rise for national anthem. We are awaiting for the paragliders to glide down to the Leh Pedal Ground carrying the national flag. आज के इस सभा के इस महोत्सव के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा एवं फर्स्ट लेडी मिस नीलम मिश्रा पधार चुकी हैं और इस वक्त हम पैराग्लाइडर्स जो स्टेज के दाएं तरफ ऊपर ठीक आप सभी लोगों की मैं निगाह ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लुक अप वी हैव द पैराग्लाइडर विद द एक तो ये लद्दाख फेस्टिवल के माध्यम से हम हमारे लद्दाख की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन लद्दाख हम इस चीज को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और जब यह लद्दाख फेस्टिवल का शुरुआत हुआ था तो इसके पीछे सभी का एक ही उद्देश्य था कि हमारे टूरिस्ट लद्दाख में बहुत सारे आते हैं और अक्सर सभी टूरिस्ट का एक ही यही कहना होता है कि हम कम समय के अंदर पूरे लद्दाख को देख नहीं पाते हैं हमें लद्दाख के पूरे रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को जानने की उत्सव है हम उनको जानना चाहते हैं लेकिन हम समय नहीं निकल पाते हैं और समय के पाबंदी के चलते हुए हम पूरे लद्दाख को देख नहीं पाते हैं तो अक्सर ये हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी इस तरह की बातचीत होता था जो टूरिस्ट को जो है बाहर से लाते थे उनका भी एक यही चर्चा होता था कि हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लद्दाख के पूरे रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को हम कैसे दिखाएंगे तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर चर्चा होने के बाद से जो है लद्दाख फेस्टिवल का गठन हुआ है और लद्दाख फेस्टिवल के माध्यम से हम एक
सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे जो है पूरे लद्दाख के कोने कोने से जो है हमारे कल्चरल और हमारे जो खान पीन के जो है खाना पीना है, हमारे पोएट्री, हमारे लिटरेचर, हम सब उस सभी को जो है एक जगह पे लाते हैं और ला के जो है यहाँ पे हम लद्दाख फेस्टिवल के नाम से जो है टूरिस्ट लोगों को थोड़ा सा जो है लद्दाख के कल्चर से जो है रूबरू करने का हमारा एक प्रयास ये लद्दाख फेस्टिवल है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद हमारे अपने अंदर कुछ कमियां रह गया है जिसके कारण जिस ऑब्जेक्टिव के साथ लद्दाख फेस्टिवल का शुरुआत किया था उस ऑब्जेक्टिव को जो है फुलफिल होते हुए दिखता नहीं है। ये सभी टूरिस्ट को जिनके पास समय नहीं होते हैं, ऐसे टूरिस्ट जो लद्दाख के कल्चर को जानना चाहते हैं उनके लिए ये लद्दाख फेस्टिवल किया गया था, लेकिन आज जो है उस टूरिस्ट को जो है यहाँ आते हुए हम दिख नहीं पाते हैं। और जिस उद्देश्य के साथ लद्दाख फेस्टिवल को किया है मुझे बड़ा दुख होता है कि हम उसको जो है उस लेवल पे अभी तक हम ले नहीं पाए। तकरीबन जो है 10-15 साल हम लोगों को 15 साल से भी ज्यादा लद्दाख फेस्टिवल के शुरुआत होते हुए हुआ है और इतने रिच कल्चर और इतने लद्दाख के कोने कोने से लोग जब यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो 4-5 दिन का जो एक कल्चरल का एक फेस्टिवल रहता है उसमें हमारे खाने पीने से लेके यहाँ के नाच गाने, यहाँ के लिटरेचर, यहाँ के पोएट्री सबका जो है एक आनंद जो है एक ही डेस्टिनेशन पे, एक ही लोकेशन पे सबको जो है इसी आसानी से जो है यहाँ पे दर्शाने का एक मौका हम देते हैं और उसका एक सेलिब्रेशन हम करते हैं। हमारे कल्चरल जो हेरिटेज वॉक से लेके हर एक जो है लद्दाख के पास जो एसेट है हमारे कल्चरल एसेट उन सबको जो है इस फेस्टिवल के माध्यम से हम यहाँ पे दिखाते हैं। आप लोगों के लीडरशिप में आज हर एक डिपार्टमेंट को जो है जरूरत से ज्यादा जो है पैसे देते हैं, हर डिपार्टमेंट के पास जो है लद्दाख को जो है उन्नति के स्केल पे ले जाने के लिए जो है इस यूटी में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड दिया जाता है। टूरिज्म भी एक डिपार्टमेंट है जहां पे जो है यूटी प्रशासन ने जो है ठीक ठाक पैसे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम टूरिज्म के दृष्टि में जो है कुछ कर पा रहे हैं ठीक से। हमें एग्रेसिव कैंपेन करने की जरूरत है सर। अभी तक का अगर डाटा देखेंगे तो लद्दाख में अभी 6 लाख टूरिस्ट का जो है वो जो लोग जो यहाँ है वो 6 लाख का जो आंकड़ा है वो पार नहीं किया है। देश के हर स्टेट में जो है आज अगर हम टूरिज्म को देखेंगे तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पे 50 लाख से ज्यादा कम टूरिस्ट आया हो। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हम वहां पे करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आया है। हिमाचल की बात करेंगे तो वहां पे भी अच्छे नंबर्स में टूरिस्ट आया है, इंस्पायर्ड होकर वहां पे जो है क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 लाख का टूरिस्ट क्यों है। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स है जिन्होंने जो है लोन उठा के जो है छोटे छोटे जो है होटल्स बनाया है, गेस्ट हाउस बनाया है। आज उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। टूरिस्ट आ रहा है कि टूरिस्ट नहीं आ रहा है, आपने कितना लोन उठाया, आप किस मुसीबत में हैं। तो इस तरह के जो है बहुत सारे चीजें इस यूटी में इस टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा होना चाहिए था और मैं आज सर आपसे कहना चाहता हूं बदकिस्मती की बात है वो होते हुए नहीं दिख रहा है। और आज अगर हम लोग जो है प्रोएक्टिवली टूरिज्म को, क्योंकि टूरिज्म लद्दाख का बैकबोन है, टूरिज्म लद्दाख का मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है हम लोगों को सस्टेनेबल मोड में चलाना है, सस्टेनेबल गोल्स को जो है ध्यान में रख के हमने टूरिज्म को आगे ले जाना है, लेकिन आज लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है क्लाइमेट के दृष्टि से वो लद्दाख के लोगों का किया हुआ नहीं है, वो दुनिया में जो है लोग जो है सेंसिटिव नहीं है और ये ग्लोबल इश्यू है, ये लोकल इश्यू नहीं है। और आज टूरिज्म को जो है लद्दाख में जो है हम टूरिज्म सस्टेनेबल मोड पे चलाते हैं, हम होम स्टेज को प्रमोट करते हैं, यूटी प्रशासन जो है होम स्टेज को प्रमोट करते हैं, एलजी साहब के लीडरशिप में जो है अनले जैसे दुर्गम क्षेत्र में जो है डार्क स्काय हमने रिजर्व बनवाया है, आज जो है ले के जो है लद्दाख के जो है पूरे बॉर्डर डेस्टिनेशन को खोला गया है, लेकिन उनका कहीं प्रचार ठीक से हो नहीं पा रहा है।
इतना कुछ जो है हमारे एनजी साहब के लीडरशिप में जो है इतने सारे कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, इतने सारे फंडिंग यहाँ पे मिल रहा है भारत सरकार की मेहरबानी से, लेकिन जो है टूरिज्म को इस चीज को जो है पूरे देश के कोने कोने में ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन आज वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि यह हमारा पूरे यूपी लद्दाख का एक फेस्टिवल है और यह सेलिब्रेशन एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको और आगे बढ़ाना है। हम इस दिन सभी को पूरे लद्दाख वासियों को शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पर जितने अभी ट्रूप्स ने परफॉर्म्स किया है, म्यूजिक का डिस्प्ले हुआ है और बाकी सब प्रदर्शन हुए हैं, इनको सबको भी मैं बधाई देता हूँ और इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। यह हमारा लद्दाख दुनिया भर में एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हमारी जनसंख्या 275,000 है, पिछले साल तो 531,000 लोग आए थे। इसको और भी आगे ले जाना है और इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी जो सेक्रेटरी हैं मनीषा सक्सेना, उनसे बात मैंने किया। मैंने कहा कि हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल तरीका अख्तियार करना पड़ेगा और उनसे मैंने यह कहा कि जितने हमारे फॉरेन मिशन हैं पूरे देश में, हर देश में जहां जहां हैं, उनमें हमारा मैसेज आपको कन्वे करना पड़ेगा और उन लोगों को उन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपने अपने देश में वो मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि हम भी लद्दाख एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, भारत में अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर जो फ्लोरा फौना, यहाँ के फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स ये और जगह से अलग हैं। उन्होंने एग्री किया कि आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यह जो हमारा टूरिज्म का विकास का है फॉरेन कंट्रीज में अपने इंडिया में, वो उसका तरीका सिर्फ ये नहीं है कि हमारे कुछ अफसर चले जाएं, कुछ टूरिस्ट एजेंट चले जाएं विलायत में, सिंगापुर चले जाएं या लंदन में चले जाएं, होटल में रहें और एक दिन कहीं जाके कहीं स्टॉल में खड़े होके आ जाएं। उससे नहीं बढ़ावा मिलेगा, वो तो एक मिनिस्क्यूल अटेम्प्ट है। बढ़ावा मिलेगा जब हम, और जैसा मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ अपने टूरिज्म का जो मिनिस्ट्री है उनसे यह कहें कि, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से मैं मंत्री जी से भी कॉन्टेक्ट करूंगा कि हर मिशन हमारा प्रचार करे। जब हर मिशन हमारा प्रचार करेगा 120 देशों में जाएगा तब हमारा टूरिज्म जरूर बढ़ेगा और क्वालिटी में बढ़ेगा। अभी मैं हर दिन न्यूज़पेपर देखता हूँ, हमारा सिचुएशन रिपोर्ट देखता हूँ तो आज के दिन में हमारी 13 फ्लाइट आती है लेह के लिए और उसमें 30 से लेकर के 35 देश तक के लोग आते हैं, 30-35। आवश्यकता किस बात की है कि जो हमारे विकसित देश हैं वहां से नंबर और बढ़ जाए तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारे जो डेस्टिनेशन है, हमारे यहाँ के लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं, तो इनका एक जो खुद का प्रोग्रेस है
खुद का डेवलपमेंट है वो भी अच्छा हो सकेगा। तो ये बहुत जरूरी है और इसको हम करना चाहते हैं। 24/7 में आप सबका स्वागत है। लद्दाख फेस्टिवल जो सभी को इंतजार रहता है वो शुरू हो चुका है आज से 24 तारीख का, यानी 24 सितंबर तक। लद्दाख फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है लद्दाख में जैसे टूरिज्म को बूस्ट करना या लोगों को जैसे यहाँ की कल्चर दिखाना या किस तरह से रहन सहन है, यहाँ के ट्रेडिशन कैसे हैं, यहाँ के डांस कैसे हैं, क्योंकि लद्दाख में सिर्फ एक ही डांस नहीं होता है या दो तीन गाने नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वैराइटीज में होते हैं। और तो वही कोशिश करते हैं कि टूरिस्ट जहाँ बहुत दूर जगहों पे पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि कम टाइम कम समय भी रहता है, तो इस लद्दाख फेस्टिवल में काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे क्यूजीन को लेके, जैसे कपड़े लेके, जैसे नाच गाने, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो टूरिस्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं। और बहुत साल हो गए हैं इस चीज़ को मनाते मनाते और आज जो है CEC LHDC थोड़ा सा नाराज़ दिखे क्योंकि टूरिज्म को लेके, जो लद्दाख फेस्टिवल को लेके ठीक ढंग से जो है ऑर्गेनाइज जो भी जैसे भी हुआ है वो थोड़ा उसमें कमी उनको नज़र आई। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे स्टेज बनाया है जो इस तरफ जो पुराना स्टेज था, अभी भी यहाँ पे 15 अगस्त का जो वो बैनर लगा था, क्योंकि इससे वो माइनर कुछ ऐसे पॉइंट आउट कर रहे थे जहाँ से लद्दाख फेस्टिवल को बहुत सारे बहुत बड़े पैमाने पे एडवर्टाइज करना था, बट ऐसे छोटे छोटे जो माइनर मिस्टेक्स थे उन चीज़ को वो पॉइंट आउट करते हुए काफ़ी नाराज़ भी दिखे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी काफ़ी लोगों के जो मन की बात थी वो उन्होंने आज कह दिया है, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी मानना था कि टूरिज़्म को लेके कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं प्रमोशंस जो है वो बहुत कम नज़र आती हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे टूरिज्म इक्वालिटी टूरिज्म या टूरिज्म को किस तरह से बूस्ट करना है उस चीज़ की कमी रह जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत लोग जो टूरिज्म में काम कर रहे हैं उनका भी यही कहना है और आज CEC उनका भी यही उन्होंने इस चीज़ पर काफ़ी बात करी है। और आपको ये भी बता दूँ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे एक टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत लोग जो है इस पर काम करते हैं, लोन्स लेके काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनका काफ़ी रहता है, और जब टूरिस्ट अच्छे से जब प्रमोट नहीं होंगे तो किस तरह से वो अपने जो है वो लोन्स चुकाएंगे या किस तरह से वो टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन करते हुए कहा है। और जो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको जो है उन्होंने ये स्ट्रेस किया है कि अभी इस तरह जो है टूरिज़्म लद्दाख में काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको टूरिज़्म बढ़ाना है तो प्रमोशंस की बहुत ज़रूरत है और टूरिज़्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जैसे CEC साहब का ये भी मानना है कि हम टूरिज़्म जगह जब बताते हैं या दिखाते हैं, उनका ये कहना है कि हम कुछ ही सेक्टर्स को प्रमोट करते हैं, जैसे पेंगोंग लेक हो गया है, जैसे कुछ ऐसे सेक्टर जो ऑलरेडी बहुत ही प्रमोशंस उनका हो चुका है, बल्कि टूरिज्म को और जगह पे और रूरल एरियाज़ में या बहुत सारे ऐसे सुंदर जगह है लद्दाख में वहाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम यही मानते हैं कि काफ़ी लोग इस चीज़ के कंप्लेंट्स भी कर रहे थे, तो आज CEC साहब ने आज स्टेज से कह ही दिया है और उनकी मन की बात में मुझे लगता है कि बहुतों के मन की बात जो है आज CEC के द्वारा जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट तक वो पहुंच भी रहा है। तो हम यही समझते हैं कि टूरिज्म को बूस्ट करना कितना ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग लद्दाख के कोने कोने से अपने बहुत सुंदर अटायर में आए हैं, वो डांस दिखाने की कोशिश में है, और मार्केट में आप देखोगे तो अलग अलग क्यूजींस हैं वो भी दिखाने की और लोगों को बना बना के दे भी रहे हैं, तो काफ़ी एफर्ट्स भी लगते हैं। तो हम यही मानते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट आगे से जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे CEC साहब का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ के स्टेक यहाँ LG साहब ने भी इस चीज़ पॉइंट आउट किया है, तो टूरिज्म बढ़ाना कितना ज़रूरी है। तो हम बाकी और दिन जो है काफ़ी कुछ होने वाला है आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए संजिन दोरजे और रिक्सिन वांगमू JK 24/7 के लिए लद्दाख से।